सब्सक्राइब कर लीजिए अपने चैनल टेक ज्ञान पिटारा को और बेल आइकॉन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे प्रॉपर तरीके से पहुंचता रहे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं सीपी प्लस के हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम के बारे में बात करूंगा जो कि सीपी प्लस के द्वारा लेटेस्ट लॉन्च है। दोस्तों, ये कोई गैजेट नहीं है, ये एक सॉफ्टवेयर है जिसे हम SaaS बोला जा रहा है, SaaS, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। दोस्तों, ये कैसे काम करता है, कैसे आप अपने DVR और CCTV को इसमें रजिस्टर करोगे और कैसे ये काम करेगा और हमें इसके क्या फ़ायदे होने वाले हैं, तो दोस्तों मैं इसके बारे में इस वीडियो में पूरी तरह से प्रैक्टिकल नॉलेज आपको दूंगा, वो भी शुद्ध हिंदी में। दोस्तों, चलते हैं, देखते हैं, समझते हैं HMS क्या है, हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम आखिर यूज़ कैसे करते हैं। दोस्तों, हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम HMS को हम दो प्रकार से यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम वेबसाइट के थ्रू यूज़ कर सकते हैं जिसमें मैं आपको लिंक दिया हूँ, HMSCPPlusCloud.com। दोस्तों, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप चेक कर लेना इसको, यहाँ से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा है, आप इसका एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं अभी आपको दिखाऊंगा, मोबाइल पे भी डाउनलोड करके दिखाऊंगा कि कैसे इसको मोबाइल पे यूज़ करेंगे। दोस्तों, इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए सबसे पहली कंडीशन है और एक ही कंडीशन है कि आपका जो भी DVR है सीपी प्लस का होना चाहिए और दूसरा सीपी प्लस का DVR ऑनलाइन होना चाहिए। आपके ऑफिस में जो भी घरों पर जो भी DVR लगा होगा वो ऑनलाइन होना चाहिए, है ना। इंटरनेट कनेक्शन इसमें जैसे भी आप वाईफाई के थ्रू देते हो या लैन केबल के थ्रू देते हो, इसमें प्रॉपर तरीके से इंटरनेट आना चाहिए। यही एक कंडीशन है दोस्तों। उसके बाद आपको यहाँ पे मॉडल नंबर, किसी भी DVR के पीछे देखना, यहाँ पे मॉडल नंबर लिखा रहता है ना, इसकी ज़रूरत होगी आपको इसमें रजिस्टर्ड करने के लिए। और दूसरा चीज़ है सीरियल नंबर, ध्यान रखना दोस्तों, ये सीरियल नंबर हमें चाहिए और ये मॉडल नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पहला स्टेप है इसमें यूजर रजिस्ट्रेशन का, तो इसमें आप एज ए यूजर भी रजिस्टर हो सकते हो और सिस्टम इंटीग्रेटर, यानी कहीं आप CCTV कैमरा लगाते हो लोगों के यहाँ, तो आप सिस्टम इंटीग्रेटर के रूप में भी इसमें लॉगिन कर सकते हो। मैं तो अभी समझाने के लिए एज ए यूजर ही इसमें लॉगिन करने वाला हूँ। चलिए दोस्तों, नीचे थोड़ा सा और समझते हैं, रजिस्ट्रेशन के बारे में थोड़ी देर बाद बताता हूँ मैं, नीचे समझते हैं कि इसके प्लान के बारे में। 2 महीने तक हम इसे फ्री में यूज कर सकते हैं, है ना, किसी भी प्रकार का कोई पैसा हमें देने की जरूरत नहीं है। स्टैंडर्ड प्लान है 6 महीने के लिए। कहीं आपके घरों में 4 चैनल का DVR लगा होगा तो आपको ₹400 6 महीने के लिए पे करना पड़ेगा। 16 चैनल का DVR लगा होगा तो आपको ₹1600 पे करना पड़ेगा 6 महीने के लिए। और एक है प्रीमियम प्लान, 1 साल के लिए। 1 साल के लिए कहीं आपके पास 4 चैनल का DVR है, कहीं उसका हेल्थ मॉनिटरिंग करना है, तो ₹600 आपको पे करना पड़ेगा सीपी प्लस को, आदित्य इन्फोटेक को, 1 साल के प्लान के लिए। कहीं आपके पास 8 चैनल का DVR है तो आपको ₹1200, 16 चैनल का DVR है तो ₹2400 1 साल के लिए आपको पे करना पड़ेगा। और कैसे करेंगे वो मैं बताऊंगा आपको आगे। दोस्तों, दूसरा तो ये एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का नाम HMS है ना, हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम। ये भी एक एप्लीकेशन को मैं डाउनलोड करूंगा मोबाइल में और आपको दिखाऊंगा, इस मोबाइल में मैं डाउनलोड करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि कैसे इस मोबाइल में भी देखेंगे। चलिए फटाफट इसमें आते हैं और रजिस्ट्रेशन दोस्तों रजिस्टर करते हैं अपने आप को। मैंने यूजर में क्लिक किया, फर्स्ट नेम में डाला टेक ज्ञान पिटारा, मोबाइल नंबर डालता हूं मैं, ईमेल आईडी डाल देता हूं worldgyanpitara@gmail.com, पासवर्ड देखिए दोस्तों, पासवर्ड पूछ रहा है तो कुछ भी पासवर्ड मैं डालता हूँ, 1234567@cp। करते हैं रजिस्टर, पिन कोड डाल लेते हैं, उसके बाद करते हैं रजिस्टर। यू आर श्योर विथ योर एंटर मोबाइल नंबर्स, देखिए दोस्तों कहीं आप कंफर्म हो, कहीं यही मोबाइल नंबर है तो इसे कंफर्म करिए, आपके मोबाइल पे आ जाएगा OTP। तो दोस्तों मेरा OTP आ चुका है 3187888, इसको मैं करता हूँ वेरीफाई। ये देखिए दोस्तों, ये हो गया वेरीफाई, ठीक है। दोस्तों मोबाइल वेरिफिकेशन के बाद आप यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे तो आप लॉगिन कर लेंगे, बट आपके मेल पे भी एक मेल आएगा दोस्तों, उसको भी आपको वेरीफाई कर लेना है ताकि आपका ईमेल भी वेरीफाई हो जाए। उसके बाद आप यहाँ पे ईमेल भी डाल सकते हो, ईमेल के बाद जो पासवर्ड है आपका, जो आपने पासवर्ड सेट किया था वो पासवर्ड डाल के इसे लॉगिन करेंगे।
इसके बाद दोस्तों मैं आपको एक दो थोड़ा सा चीज बता रहा हूँ कि आपके मोबाइल में ओटीपी के बाद एक एचएसएन के एसएमएस का भी एक पासवर्ड आएगा दोस्तों, उसको आपको डीवीआर में डालना है। ठीक, अभी तो ओटीपी आपने यहाँ डाल के इसको रजिस्टर्ड किया, एक एचएमएस का एक रजिस्टर्ड पासवर्ड भी आएगा जिसको आपको डीवीआर में डालना है, ताकि आपका डीवीआर इस सॉफ्टवेयर से कॉन्फिगर हो जाए और आपके डीवीआर के कंप्लीट मॉनिटरिंग ये सॉफ्टवेयर के थ्रू कर सके। तो दोस्तों कैसे करेंगे वो पासवर्ड आप देख लेना बस, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे लॉगिन करता हूँ, उसके बाद दिखाऊंगा कि कहाँ पे आपके डीवीआर में उसको डालना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे करते हैं इसे लॉगिन। देखिए देखिए दोस्तों ये हो गया है लॉगिन, और ये कुछ इस टाइप से दिखा रहा है आपको में नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसे यूज कैसे करें। तो सबसे पहले चलते हैं, मैं यहाँ पे चलता हूँ डिवाइस में, डिवाइस में क्लिक करते हैं और देखिए दोस्तों यहाँ पे है ऐड डिवाइस। तो यहाँ पे मैं ऐड डिवाइस करता हूँ और अपने नेम ऑफ योर डिवाइस ये है, इसमें देख लेते क्या क्लियर कर देता हूँ, सीसीटीवी डिवाइस आईडी, डिवाइस आईडी आपका है दोस्तों, डिवाइस आईडी आपका सीरियल नंबर है जो डीवीआर के पीछे लिखा रहता है। तो ऑन क्लाउड आईडी ऑफ योर डिवाइस, और कहीं आपको आपके डीवीआर में देखना है कंप्यूटर के थ्रू कैसे देखते हैं इंस्टॉल आईडी, चलिए वो भी देख लेते हैं। और उसके नेटवर्क में जाते हैं दोस्तों, सेटअप में, नेटवर्क में, ये नेटवर्क है देखिए, यहाँ पे है इंस्टॉल। देखो दोस्तों ये आईडी आपको डालना है, ये चीज़ आपको यहाँ पे पेस्ट करना है, ये मैंने पेस्ट कर दिया यहाँ पे। सेलेक्ट डिवाइस कर लेते हैं, रिफर डिवाइस डीवीआर एनवीआर, मेरा है ये डीवीआर, लोडिंग सीपी, देखिए दोस्तों लोडिंग हो रहा है सीपी प्लस, ये है मेरा। तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं अपन सीपी यूवीआर, ये सी एस मॉडल मेरा आ गया है, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। सेलेक्ट चैनल लिस्ट, कितने चैनल तक आपका लगे हुए कैमरे, तो मेरे पूरे 8 चैनल तक कैमरे लगे हुए दोस्तों, और ये 2 आईपी कैमरे के लिए रहता है, तो आईपी कैमरा लगा नहीं मेरे यहाँ। तो सेलेक्ट हार्ड डिस्क लिखते हैं इसमें, सेलेक्ट हार्ड डिस्क लिखते हैं, यहाँ पे कंट्री पूछ रहा है इंडिया डाल देते हैं, लोडिंग पूछ रहा है दिल्ली डाल देते हैं, नॉर्थ दिल्ली डाल देते हैं, पिन कोड पूछ रहा है पिन कोड डाल देते हैं, और यहाँ पे एड्रेस ऑफ डिवाइस इंस्टॉलेशन, तो एड्रेस भी मैं डाल देता हूँ। और देन यहाँ सेल्फ मेंटेन अलर्ट टू वोनर ये भी है, यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, देन यहाँ इसको नेक्स्ट करते हैं। देखिए दोस्तों आर यू श्योर विथ योर एंटर, ये क्लाउड आईडी आपको देखना है दोस्तों, एकदम एग्जैक्ट डालना है। ये मोबाइल पे कहाँ पे मिलेगा वो भी मैं बताऊंगा, क्लाउड आईडी आपके आपके डीवीआर का क्लाउड आईडी कहाँ से मिलेगा इंस्टॉल, वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे वीडियो में। चलिए मैं आगे करता हूँ, देखिए ये हो गया हो गया। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों ये स्टैंडर्ड ऑप्शन है, मेरे 8 चैनल के डीवीआर के लिए ये 800 रुपये दिखा रहा है और 1200 दिखा रहा है साल भर के लिए, यानी मेरे जो 8 चैनल का डीवीआर लगा है उसके लिए मेरे को 6 महीना कहीं चलाना है मेरे को, तो उसके लिए मेरे को 800 दिखा रहा है और एक साल के लिए 1200 दिखा रहा है। देखिए दोस्तों ये है फ्री, तो मैं करता हूँ फ्री में, इसको सेलेक्ट करता हूँ फ्री वाले को और करता हूँ कंटिन्यू, मेक पेमेंट करते हैं दोस्तों। ये क्या पेमेंट करने बोल रहा है, 0 रुपीज़ कोई पेमेंट करने बोल रहा है, चलिए पेमेंट कर देते हैं मेक पेमेंट। देखिए दोस्तों हो गया है सक्सेस का प्रोसेस है, ये हो गया। अब चलते डैशबोर्ड में, देखिए दोस्तों ये है हमारा डैशबोर्ड, और यहाँ पे जो हम डिवाइस ऐड किए थे यहाँ पे हम देख सकते हैं डिवाइस को, और कुछ डिवाइस से प्रॉब्लम है यहाँ पे हम टिकट भी कर सकते हैं, यहाँ पे उस डिवाइस से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो हम टिकट करेंगे तो कंपनी का कॉल हमारे पास आएगा। तो पहले सबसे पहले मैं चले जाता हूँ डिवाइस में, देखिए दोस्तों डिवाइस है ऑफलाइन, ये ऑनलाइन रहना चाहिए क्योंकि हमारा डिवाइस तो अभी ऑनलाइन है, ये ऑनलाइन रहना चाहिए दोस्तों। ये ऑनलाइन कब होगा, जब
ओटीपी के बाद जो पासवर्ड आपके मोबाइल पे आया होगा वो पासवर्ड आपको अपने डीवीआर में डालना पड़ेगा एचएमएस ऑप्शन में। कैसे डालेंगे दोस्तों, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ऑप्शन डीवीआर पे। ये डीवीआर पे जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, यहाँ पे आपको जाना है सेटअप में। सेटअप के बाद आपको जाना है नेटवर्क में। दोस्तों आप कहीं टीवी में भी देख रहे होंगे, उसके बाद भी आपको डिस्प्ले में नेटवर्क मिलेगा। नेटवर्क में नीचे में देखना एचएमएस ऑप्शन मिलेगा आपको, हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम। जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे, इसको अनेबल करना है और यहाँ पे जो पासवर्ड आपको मिला है इसको करना है पेस्ट। और करते इसे टेस्ट कनेक्शन। देखिए दोस्तों टेस्ट सक्सेसफुल, प्लीज सेव। तो कर देते हैं सेव। अब हो गया दोस्तों आपका सक्सेसफुली सेव। अब ये सिस्टम हो गया है हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम के हिसाब से। अब आपका डीवीआर हेल्थ मॉनिटरिंग के सिस्टम के लिए तैयार है। अब चलते हैं हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम में। अब डैशबोर्ड में आ जाते हैं, देखते हैं यहाँ डेटा लेता है क्या। देखिए दोस्तों डेटा ले तो रहा है। हाँ ये आया है अभी, इसमें ये अभी भी ऑफलाइन दिखा रहा है। रिफ्रेश करते हैं और एक बार रिफ्रेश करते हैं। ऑनलाइन आना है। देखिए दोस्तों ये आ गया है आपका ऑनलाइन। देखिए दोस्तों ये आ गया आपका ऑनलाइन, यानी कि अब हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम हमारा हो गया है स्टार्ट और पूरी तरफ से हो गया है कॉन्फिगर। चलते हैं हम अब डैशबोर्ड में। देखिए दोस्तों यहाँ पे आने लग गया अब रिपोर्ट। देखिए दोस्तों हमारा 8 कैमरा लगा हुआ है और एक डीवीआर लगा हुआ है। इसका मतलब हमारा देखिए सब ग्रीन में आ चुका है, सब चीज़ ओके चल रहा है। ये देखिए सीपी प्लस नेटवर्क ऑनलाइन दिखा रहा है ये। अब इसे हम कुछ ओपन भी कर सकते हैं कि क्या कर सकते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या है ऑप्शन। मैं भी पहली बार इसे यूज़ कर रहा हूँ। सिस्टम यूजर ऑटो जनरेटेड डैशबोर्ड में चलते हैं। एक देखिए सभी अब ऑनलाइन दिखा रहा है। ग्रीन कलर यानी ऑनलाइन, ऑफलाइन यानी रेड कलर। देखिए सब ऑनलाइन है और हार्ड डिस्क भी एकदम ही ओके चल रहे हैं। हार्ड डिस्क को ओपन कर लेते हैं। हार्ड डिस्क में क्या दिखा रहा है देखते हैं ऑप्शन। हार्ड डिस्क भी यहाँ पे क्या दिखा रहा है, रिकॉर्डिंग में। रिकॉर्डिंग भी सभी कैमरों का हो रहा है ना। रिकॉर्डिंग भी सभी कैमरों का हो रहा है यहाँ पे। और क्या ऑप्शन है यहाँ पे, चैनल, कैमरा स्टेटस। कैमरा स्टेटस भी सब ओके है और कैमरा रिकॉर्ड भी सब ओके है। अब डैशबोर्ड में चले जाते नीचे और व्यू करते इसे। डिवाइस यहाँ पे जाते हैं। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे रिकॉर्ड, ये कैमरा है अभी ये चल रहा है ना। इसको मैं बंद करता हूँ अभी थोड़ी देर के लिए। एक कैमरा बंद करता हूँ, आपको समझ में आएगा। एक कैमरा बंद करता हूँ। देखिए दोस्तों जैसे ही कैमरा बंद हुआ है वैसे ही मुझे मेल आना स्टार्ट हो गया है। देखिए कि वीडियो लॉस का ऑप्शन आ गया चैनल 1 में और फटाफट मेल आना स्टार्ट हो चुका है। देखिए दोस्तों चैनल 1 से रिलेटेड मेल आना स्टार्ट हो चुका है। जैसे ही मैंने कैमरा बंद किया है वैसे ही मेल आना हो गया स्टार्ट। बस मैंने बंद किया है तो उसका रिपोर्ट पे क्या असर पड़ता है वो देखते हैं यहाँ पे। ये देखिए दोस्तों क्या आया है, मास्किंग क्लियर। देखिए कैमरा नंबर 1 अभी ये आपका कुछ कुछ डिटेल आ रहा है। वीडियो लॉस स्टार्टेड चैनल 1 में, चैनल 1 में वीडियो लॉस दिखा रहा है दोस्तों। 11:41 पे देखिए, 11:41 के आसपास ये वीडियो लॉस हुआ है। ये रिपोर्ट सब देखते हैं। देखिए यहाँ पूरे कैमरे, एक कैमरा तो बंद कर दिया हूँ मैं तो भी यहाँ पे एक कैमरा दिखा रहा है। व्यू करते हैं। हाँ देखिए दोस्तों एक कैमरा यहाँ पे हो गया रेड। देखिए ये एक कैमरा हो गया रेड। देखिए यहाँ पे इसकी रिकॉर्डिंग हो गई है बंद, ठीक है। बाकी आपके 7 कैमरे चल रहे हैं, एक कैमरा हो गया है बंद। ये देखिए एक कैमरा यहाँ पे बंद हो गया था, ये रिपोर्ट में आया है यहाँ पे। फिर यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे अभी भी बंद दिखा रहे हैं। अब देखिए दोस्तों मैं उस कैमरे को चालू कर देता हूँ, है ना, उस कैमरे को चालू कर देता हूँ, फिर देखते हैं कि क्या होता है। अब ये देखते हैं,
ये रिपोर्ट में क्या दिखाता है, जैसे हम रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए दोस्तों, मैं जैसे ही इस कैमरे को स्टार्ट किया हूँ, ये हो गया हेल्दी, पूरा 8 के 8 कैमरे हो गए स्टार्ट। जैसे ही मैं यहाँ पे जाता हूँ, जो यहाँ एक कैमरा रेड दिखा रहा था वो भी कैमरा हो गया ग्रीन, यानी सभी कैमरे मेरे हो गए हेल्दी। तो दोस्तों ये रिपोर्ट तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, बाकी मैं ज़्यादा इसके बारे में अभी रिसर्च किया नहीं हूँ। मैं तो अभी 2 महीने इसे फ्री में यूज़ करूँगा, और मेरा आपसे भी एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप भी इसे फ्री में यूज़ करिए 2 महीना, उसके बाद पैसा देना नहीं देना वो आपकी मर्जी है, बट मैं तो इसे 2 महीना पूरा यूज़ करूँगा अभी। और आप कहीं मुझे ये चीज़ अच्छा लगेगा तो मैं एक अच्छा डिटेल्ड वीडियो में आपको नेक्स्ट वीक अपलोड करने की कोशिश करूँगा। चलिए दोस्तों, आप समझ लेते हैं कि मोबाइल में कैसे देखना है। सबसे पहले प्ले स्टोर में जाना है और हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम HMC मानना है और सर्च करना है। देखिए सबसे पहले में ही आ जाता है CP+ का, इसे इंस्टॉल कर लेंगे। देखिए दोस्तों ये इंस्टॉल हो रहा है, 4 MB का है। दोस्तों ये वीडियो आपको लग कैसे रहा है, थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा होगा तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और कमेंट के जरिए मुझे बताना कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा। चलिए दोस्तों ओपन कर लेते हैं इस एप्लीकेशन को, और हम जब जो देखिए जो जिस मोबाइल से लॉगिन किए थे उसी मोबाइल से लॉगिन करेंगे, वही नंबर से रिमेंबर कर दो, लॉगिन कर दो। देखिए दोस्तों यहाँ पे भी लॉगिन आ गया। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका CCTV ऑनलाइन दिखा रहा है, 8 कैमरा है और एक आपका DVR है, ठीक है, और 8 कैमरा लगा हुआ है, ऑटो की रिकॉर्डिंग चालू है ना, और SDT भी जो है नॉर्मल है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे चले जाते हैं, देखिए टोटल हेल्थ आपको दिखा रहा है, यहाँ से दिखा रहा है प्रॉब्लम, तो इस टाइप का ये देखिए, ये सभी कैमरे आपकी रिकॉर्डिंग चालू है। और जो टिकट्स का ऑप्शन जो बता रहा था दोस्तों, यहाँ से मैं ये टिकट का ऑप्शन है ना, यहाँ से कोई प्रॉब्लम रहता है तो आप यहाँ से टिकट कर सकते हो। देखिए यहाँ पर लगा कैसा है, देखिए ऐसा ही आप यूज़ करेंगे मोबाइल पे, यहाँ पे आपको दिख जाएगा, और आपके ईमेल पे मेल पे भी तुरंत तुरंत आ जाएगा कि कौन सा कैमरा बंद हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्या हार्ड डिस्क में प्रॉब्लम हो रहा है, कि आपके कैमरे में प्रॉब्लम हो रहा है, डिटेल्ड आपको ईमेल आएगा। तो दोस्तों मैंने आपको ये एप्लीकेशन के बारे में भी बता दिया है, और दोस्तों जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल होंगे जो कैमरा यूज करते हैं, ये वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है इस टाइप के टेक्निकल वीडियो बनाने में। ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना दोस्तों। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, आगे और भी अच्छे कंटेंट और अच्छे इनोवेटिव आइडियाज के साथ मैं आऊंगा आपके सामने अगले वीडियो में, और ये वीडियो देखने का आपका धन्यवाद। दोस्तों आप रहिए घर में सेफ और सुरक्षित अपने फैमिली के साथ। जय हिंद, जय भारत।